तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सैमसंग गैलेक्सी F22 मोबाइल में किसी भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो और साथ ही साथ उसको जो है फिंगरप्रिंट ऐड कर पाओगे, यानी कि उसमें फिंगरप्रिंट को भी आप ऐड कर पाओगे, यानी कि फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर पाओगे। तो चलिए गाइस, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइड में स्क्रीन दिख जाएगी मोबाइल की, इस पर आपको देखना है। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। यहाँ पर ऐप लॉक लिखोगे आप, यहाँ पर सर्च बार में आपको ऐप लॉक लिख लेना है। उसके बाद सर्च करने पर ये देखिए एक एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छा वर्क भी करती है। क्योंकि दोस्तों सैमसंग में जो है सैमसंग के किसी भी मोबाइल में ऐप लॉक इनबिल्ट फीचर नहीं आता है, तो आपको डाउनलोड करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है इस एप्लीकेशन को। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना कोई भी पासवर्ड बना लेना है, 4 अंकों का 5 अंकों का जो भी आप बनाना चाहते हो उसको बना लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 अंकों का डाल ले रहा हूँ। उसके बाद आपको जो सही का निशान दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से अपने एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर जो है फिर से अपने पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। जैसे मैं पासवर्ड को कन्फर्म करूँगा तो यहाँ पर फिर से आपको राइट वाले निशान पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आप अपनी फिंगरप्रिंट को भी ऐड करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पर जी हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस कर देना है। तो आप जैसे यस कर दोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ही ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ऐप लॉक को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे ऐप आपके सामने आ जाएंगे। अब इनमें से जिसको भी आपको लॉक करना है उसको यहाँ से लॉक कर लीजिए। तो यहाँ से मैं क्रोम को लॉक कर ले रहा हूँ और कैमरा को लॉक कर ले रहा हूँ। आप जितने भी ऐप्स को चाहो लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ आपकी परमिशंस लेगा ऐप को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाला ऐप लॉक दिख रहा है, इसको आपको परमिशन दे देना है। ऐप लॉक पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन दिख रही है, उसके बाद ये वाली परमिशन को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये फिर से एक एप्लीकेशन जो है फिर से परमिशन मांग रही है। तो आपको क्या करना है, फिर से ऊपर ही देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। तो जैसे इसको इनेबल कर दोगे तो फिर से ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप दोस्तों अलाउ करोगे तो ये एप्लीकेशन आपकी वर्क करना चालू कर देगी। अब आपका सेटिंग जो है वो हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आप जैसे अपने क्रोम को ओपन करोगे, जैसे यानी कि जो आपने लॉक किया हुआ है उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है उस पर लॉक लगा मिलेगा और आप उसको फिंगरप्रिंट से भी ऑन कर पाओगे। दोस्तों ये थी सेटिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।